Assalamu alaikum dear students, hope you all are fine and enjoying good health at home. Today my lecture is for social studies of class 7th. Today we are going to start chapter number 7 from our third term, transport and communication. What comes to your mind after listening to the topic transport and communication? ट्रांसपोर्ट मीन्स आमदोरफ्त, आना जब हम जो व्हीकल्स हम कहीं आने जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, देट आर यूजली द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. एंड सेम इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन मीन्स टू टॉक, टू कीप कॉन्टेक्ट विद समवन, ठीक है, आप किसी से राबते रखने के लिए. जराए आपने उर्दू में पढ़ा होगा, अब जराए ब्लॉग मीन्स की बातचीत या रास्ते रखने के लिए जो हम यूज करते हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, उनको हम कहते हैं मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि ये हमारे कम्युनिकेशन के जरिए हैं, एक दूसरे से मुंसलिक रहने के जरिए हैं, ठीक है. ट्रांसपोर्ट भी, और मतलब अब आपने किसी से मिलना है, आप ट्रांसपोर्ट भी यूज करते हो. अगर आप कहीं जा नहीं पा रहे हो और किसी से बात करनी है तो आप मोबाइल फोन्स और टेलीफोन ये यूज करते हैं. और अब आजकल तो जो दौर है वो एडवांस हो गया है, वाईफाई अवेलेबल है, यू कैन चैट देम विद देम ऑन वीडियो कॉल्स, ठीक है, वीडियो कॉल्स भी आप कर सकते हो. सो दीज आर द मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है. ट्रांसपोर्ट आना जाना, ठीक है, और कम्युनिकेशन इज ऑल्सो द सेम थिंग, बट कम्युनिकेशन इज दैट यू टॉक विद ईच अदर, ओके, यू कीप इन टच विद समवन. सो इन द पास्ट अगर आप देखें हमारे माजी में क्या था, कि पहले ये सब फैसिलिटीज नहीं थी. पहले लोगों को जब एक दूसरे से मिलना होता था तो वो इतनी दूर दूर सफर करते थे, ऊंटों पे, कैमल्स यूज करते थे, हॉर्सेस यूज करते थे, ठीक है, जब उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था. लेकिन फिर जैसे ही व्हील की इन्वेंशन हुई, पहिया इजाद हुआ, ठीक है, व्हील इन्वेंट हुआ, तो क्या हुआ कि लोगों को जो है उनको उन्होंने वो कार्ट्स बनाना शुरू कर दी, ठीक है, वो कार्ट्स बनाना शुरू कर दी आगे एनिमल लगा के, तो फिर वो उन्हें वो उसमें सफर करना शुरू कर दिया. आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ व्हील, व्हील की इन्वेंशन के बाद फिर उन्होंने जो है ट्रेन जो है बाइसिकल जो है ये बनाए. अब आप अगर देखें अपने बोर्ड पे बेटे, मैंने यहाँ पे ट्रांसपोर्ट्स, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो भी पेस्ट किए हैं, एंड मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन भी पेस्ट किए हैं, ठीक है. मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में हम देखें बाय लैंड, बाय एयर एंड बाय वाटर, थ्रू वाटर, ठीक है, पानी के जरिए से जो हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं हवा में, ठीक है. आपको पता है साइंस हैज बिकम एडवांस्ड, और के अब इंसान जो है वो परिंदों की तरह उड़ने भी लग गया, बिल्कुल ऐसे ही कहा जाता है ना कि इंसान को, और वो कैसे कि वो एरोप्लेन में ट्रेवल करने लग गए. सो ये देखिए साइकिल, मोटरसाइकिल, कार एंड बस, दीज फोर आर द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बाय लैंड, ठीक है. पहले यही यूज होते थे ना बाय लैंड. इसी तरह अगर हम आज शिप पे, तो शिप जो है ये भी जो है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, क्या है, थ्रू वाटर, ठीक, और ये बाय एयर, एंड दिस वन इज ऑल्सो बाय लैंड, ठीक है. ये है हमारे जो हम लोग बेसिकली जो है द ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज बाय रोड्स. लेकिन अब जैसे जैसे एडवांसमेंट होती जा रही है, क्या हो रहा है, आपने सुना होगा वो कहते हैं ना इंसानों ने तो समंदरों का सीना भी चाक कर दिया, तो वो इसीलिए कि हम अब वाटर पे भी ट्रेवल कर लेते हैं, बोट्स हैं, ठीक है. इन द पास्ट, और अब आपकी बुक पे आते हैं बेटे, इन द पास्ट ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट ऑर्डिनरी पीपल नीडेड ग्रोन और मेड लोकली, टुडे वी यूज गुड्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री एंड मोर स्पेशली फ्रॉम अदर कंट्रीज. पहले ये होता था कि लोग जो हैं वो अपने ही जो लोकल गुड्स बनाते थे, चीजें बनाते थे, हम वही इस्तेमाल करते थे. लेकिन फिर क्या हुआ कि अब जैसे जैसे एडवांसमेंट होती जा रही है, लोग अब दूसरे शहरों से भी चीजें मंगवाने लग गए हैं. दूसरे शहरों के साथ साथ क्या होता है कि अब दूसरे ममालिक से भी जो है वो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट भी हो जाती है, ठीक. सो अब आपकी बुक में जो है ये बताया गया है कि कैरिंग दीज गुड्स टू देयर यूजर इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेड,
और ये तिजारत भी है, ठीक है, कि आप एक कंट्री से या एक सिटी से दूसरे सिटी तक जो है आप चीजें लेके जाना और फिर वहां जाके सेल करना। पहले क्या होता था कि वो कैमल्स यूज करते थे, दे यूज हॉर्सेस, कार्ट्स यूज करते थे, और उन्हें फिर दिन लग जाते थे, हफ्ते लग जाते थे एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाने के लिए। लेकिन अब तो आपको पता है कि लोडर्स यूज होने लग गए हैं, ट्रक यूज करते हैं, ठीक है। दीज आर द एडवांस्ड मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सो बाय लैंड क्या है कि मोटरवेज अब बन गई हैं। अच्छा, पहले क्या होता था, सिर्फ रोड्स थी, ठीक है, रोड्स भी इतनी अच्छी सिचुएशन में नहीं थी। और अब क्या हो गया कि अब रोड्स भी कारपेटेड रोड्स हो गई हैं, आपने देखा होगा, मोटरवेज बन गई हैं, फ्लाईओवर्स बन गए हैं। क्यों? ताकि आपका टाइम बचाया जा सके, आपके ट्रेवलिंग टाइम जो है वो कम किया जा सके। और फिर जो है बाईपास, इसी तरह बहुत सारे जो है अब एडवांसमेंट्स आ गई एंड आर द लाइफ लाइन ऑफ सोसाइटी। एंड रोड्स आर द एक्सपेंसिव टू बिल्ड एंड कीप इन गुड रिपेयर, बट हैव द एडवांटेज दैट दे कैन बी बिल्ड ऑलमोस्ट एनीवेयर। लेकिन ये एडवांटेज है कि रोड्स तो हम कहीं भी बना सकते हैं, ठीक है। तो अब ये रोड्स जो हैं, दीज आर द ओल्डेस्ट मीन। अब आप देखिए रोड्स पे जो है, अब इन्होंने मोटरवे बना दी, फ्लाईओवर्स बन गए, ठीक। ये किस लिए बन गए? आप लोगों की आसानी के लिए बन गए कि जिन्होंने ट्रेवल करना होता है बाय लैंड उनके लिए ईज हो, ठीक है, आपका सफर जो है वो आरामदेह कंफर्टेबल गुजरे। सो मोटर व्हीकल्स के लोड अप टू फैक्ट्रीज और फार्म एंड कैरिंग द गुड्स क्विकली एंड डायरेक्टली टू वेयर दे आर नीडेड, वेदर इट इज द मार्केट, अ डिस्टेंट टाउन और टू अ सीपोर्ट फॉर एक्सपोर्ट। पीपल कैन गेट ऑन द मोटरसाइकिल्स और इन टू द कार्स एंड ट्रेवल वेयर एवर द लाइक विदाउट हैविंग टू वेट फॉर ट्रेन्स और बसेस। अब लोगों के पास अपनी प्राइवेट कन्वेंसेस हैं, व्हीकल्स हैं, और वो इसलिए कि उन्हें कार्स हैं जिनके पास। अब आपको पता है कि आप लोगों में से भी जिनके पास कार्स हैं, आप लोगों को वेट नहीं करना पड़ता बस का। ड्राइवर स्टैंड पे जाते हैं, आपको बस का वेट नहीं करना पड़ता, आपको रिक्शा का वेट नहीं करना पड़ता। आपके पास अपनी कन्वेंस है, यू कैन गो एनी वे वेयर यू वॉन्ट टू गो, ठीक है। आप जहां आना जाना चाहें आप जा सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं है, ठीक। इसी तरह बसेस का जो है, ट्रेन्स का, आपको पता है ट्रेन्स लेट भी होती हैं, तो ट्रेन्स का भी वेट नहीं करना पड़ता। जिनके पास अपने व्हीकल्स हैं वो इजीली जो है वो ट्रेवल कर सकते हैं। सो अब ये बता रहे हैं कि मोटर व्हीकल जो हैं वो यूज होते हैं एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए, और उसमें ये होता है कि गुड्स भी जो है वो ट्रेवल की मतलब लेके जाते हैं एक शहर से दूसरे शहर। सो ये किस लिए है कि चाहे वो मार्केट है, चाहे वो सी पोर्ट तक लेके जाना है, सी पोर्ट मीन्स बंदरगाह तक लेके जाना है, जहां भी लेके जाना है, तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो एडवांस हो गए थ्रू रोड। आपकी बुक में बेटे पेज नंबर 35 पे ग्राफ दिए हुए हैं। फर्स्ट ग्राफ पे आपको बताया ग्रोथ इन नंबर ऑफ व्हीकल्स एंड रोड्स एंड हाईवेज। अब 1990 से देखिए 2006 तक, आप पहले देखें कि पहले 2500,000 जो है वो व्हीकल्स थी 1990 में, लेकिन जैसे जैसे आप मूव कर रहे हैं 1995, 1997, 2004 एंड देन 2006, टू टू और थ्री इयर्स के गैप से जैसे आप मूव कर रहे हैं, तो क्या देखते हैं कि अब व्हीकल्स जो हैं 2006 का जो लास्ट उन्होंने ग्राफ बताया वो क्या है, 5 मिलियन, ठीक है, 5 मिलियन। इट कम्स टू 5 मिलियन फ्रॉम 250,000, ठीक है, ये 2500,000 से ये 5 मिलियन पे आ गया। तो 5 मिलियन जो है अब व्हीकल्स जो है वो उसमें इजाफा हुआ। इसी तरह कार्स, मोटर बाइक्स में भी इजाफा हुआ। अब आप मोटर बाइक, अब आपको पता है अब आप सबके ऑलमोस्ट जितने स्टूडेंट्स अब यहाँ ले रही हैं, तो मोटर बाइक की फैसिलिटी है आपके पास, आप लोगों को खुद भी चलानी आती है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट बेटे ग्राफ में बताया हुआ है 1990 to 1991 से 2006 तक के रोड्स, ये ब्लू लाइन शो कर रही है रोड से ट्रेवल, रेड लाइन शो कर रही है थ्रू हाईवे, एंड द येलो लाइन जो है वो शो कर रही है, दिस वन इज द येलो लाइन एंड दिस शोज द रेलवे ट्रैक, ठीक है। तो ये रेलवे जो है वो ये रेलवे को शो कर रही है। इसी तरह यूज ऑफ रोड एंड रेलवे फॉर मूवमेंट ऑफ फ्राइट एंड पैसेंजर्स, ठीक है, रोड और रेल जो है रेलवे का इस्तेमाल, अब आप ये देखें 2005-06 में सबसे ज्यादा हो गया, ठीक, रोड्स का इस्तेमाल, और रेल का इस्तेमाल कम ही रहा। इसी तरह इसमें भी देखें फ्राइट के लिए भी, मीन्स गुड्स जो है वो ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए भी, गुड्स को ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी वो क्या यूज कर रही हैं, रोड्स जो है वो ज्यादा होती जा रही हैं, क्योंकि अब आपकी ईज हो गई है।
क्या चीज हो गई है कि मोटरवेज बन गई है, फ्लाईओवर्स बन गए हैं, रोड कारपेटेड हो गई है, उनको अच्छी हालत में रखा जाता है। रोड्स को जो है वो पहले कच्ची सड़कें होती थी, अब पक्की सड़कें हैं। ठीक है, नाउ कम्स टू द रेलवेज। अब रेलवेज में भी आपकी बुक में देखिए दो तरह की ट्रेन बनाई हुई है, एक गुड ट्रेन है और एक पैसेंजर ट्रेन है। गुड ट्रेन जो मालगाड़ी जिसे कहते हैं, सामान जो है वो एक सिटी से दूसरी सिटी तक लेके जाती हैं, और पैसेंजर ट्रेन मीन्स जिसमें पीपल ट्रेवल करते हैं। सो दीज वर द फर्स्ट मैस ट्रांजिट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये पहले जो थे मैस ट्रांजिट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट थे, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन था। दे आर एक्सपेंसिव टू बिल्ड एंड मेंटेन, मीन्स कि ये कॉस्टली भी थी उस टाइम पे, और उसके बाद ये इनको मेंटेन रखना भी मुश्किल था। और लेकिन ये था कि दे कैन कैरी ह्यूज अमाउंट ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स फेयरली चीपली ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस इन कम रेट्स पे। क्या करते हैं कि ये गुड्स भी एक सिटी से दूसरी सिटी लेके आ जा सकते हैं और पैसेंजर्स को भी लेके आ जा सकते हैं। इन फ्रांस एंड जापान द लेटेस्ट ट्रेन कैन ट्रेवल फॉर आवर्स एट वेल अप टू 350 किलो पर आवर्स। ठीक है, और किलो पर आवर्स मींस के पावर हॉर्स जो है उसके स्पीड से जो है आप देख रहे हैं 350 की स्पीड से ये लेके आ जा सकती हैं। और अब आपको पता है जापान ने एक बुलेट ट्रेन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई है, दैट कैन मूव एट द स्पीड ऑफ अ बुलेट। ठीक है, रेलवेज आर डिक्लाइनिंग एज पॉपुलर मीन्स ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, बट गुड्स ट्रेन्स आर स्टिल इम्पॉर्टेंट फॉर कैरिंग हैवी लोड सच एज स्टोन, कोल एंड आयरन ओर। ठीक है, अब वो क्या बता रहे हैं कि हम लोगों ने रेलवेज का ट्रेन का इस्तेमाल कम कर दिया है, लेकिन सामान जो है भारी सामान जिसे कह लें आप, जैसे कि स्टोन है, पत्थर है, कोयला है, ठीक है, और इसके अलावा आयरन है, लोहा है, ये भारी जो सामान है जब ये लेके जाना है एक सिटी से दूसरी सिटी तक या सी पोर्ट से जो है वो सिटीज में सप्लाई करना है, तो वो क्या यूज कर रहे हैं, वो ये ट्रेन यूज करते हैं, गुड्स ट्रेन यूज करते हैं, मीन्स मालगाड़ी इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह आज हम फिर पाइपलाइंस पे, बेटे यहाँ ये देखें कि पाइपलाइंस जो है ऑल्दो पैसेंजर्स के लिए नहीं, लेकिन ये भी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, ये पाइपलाइंस बनी हुई है। ठीक है, डिफरेंट पाइप्स जो है वो यहाँ से जो है एक जो है वो ब्रांचेस उसके निकल रही हैं, और वो किस लिए यूज हो रही है पाइपलाइंस, ये पाइपलाइंस यूज होते हैं गैस और ऑयल की ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ठीक है, अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन स्पेशली यूजफुल फॉर मूविंग ऑयल, गैस एंड पेट्रोलियम्स। ठीक है, विद इन अ रीजन, मतलब उस इलाके में। दे आर मेड ऑफ कॉन्क्रीट, स्टील एंड टूडे इवन प्लास्टिक, इन कैन मेजर अप टू 10 मीटर इन डायमीटर। और पहले क्या होता था, लोहे के पाइप होते थे, गैस के पाइप जिनके घरों में हैं आपने देखा होगा कि पहले इवन दो कि ये पानी के जो पाइप हैं या बिजली के जो पाइप आते हैं, तो ये सॉरी पानी के जो पाइप हैं ये किस चीज से हैं, ये लोहे के होते थे, लेकिन अब तो वाटर जो है वो प्लास्टिक के पाइप आने लगे हैं। सो दीज आर द एक्सपेंसिव टू बिल्ड, और इनका डायमीटर आपको बताया हुआ है कि ये 10 मीटर तक जो है वो डायमीटर है, और इनका 2 मीटर एटलीस्ट चौड़े है, मीन्स वाइड है। सो दे आर एक्सपेंसिव टू बिल्ड बट वंस मेड दे आर चीप टू रन। एक्सपेंसिव है बनाने में, लेकिन जब एक दफा बन जाते हैं तो दे आर चीप टू रन, यूजिंग फार लेस लेबर देन रिक्वायर्ड बाई ट्रेन एंड बसेस। दे डू हाउएवर नीड अ बूस्टर स्टेशन अबाउट एवरी 80 किलोमीटर्स। A booster station is a large pump which gives the liquid or gas another push along the pipe. Pipelines can go straight from the point where the liquid or gas is produced to the place where it is needed. Pipelines कहाँ से travel कर रही हैं? Pipelines direct उस जगह से जा रही हैं जहाँ पे वो supply जो है वो की जा रही है। ठीक है, अगर gas है या oil है वो वहाँ जहाँ supply किया जा रहा है तो वहाँ पे वो जो है they can go straight from that point. There is no chance of stealing goods as there is in trains and road transport. लेकिन हाँ, pipelines में ये नहीं है कि इनमें भी अब कोई चोरी कर सकता है, जैसे कि अब trains पे जो है वो कोई सामान जो है आपका लेके जा सकता है, buses पे जो है वो आपका सामान लेके जाया जा सकता है, लेकिन इसमें जो है इसमें जो है वो चोरी नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो खुद pipelines हैं, और इनमें से वो कैसे निकालेंगे और कैसे लेके जाएंगे। ठीक है, Because the substance flowing along them is not in usable form, क्योंकि जो इसमें से इस्तेमाल जो substance इनमें flow कर रहा है in the liquid form,
ठीक है, तो वो क्या है, वो इनके लिए इस्तेमाल के काबिल नहीं है। इसी तरह नेक्स्ट आ जाते हैं हम मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में, एयर ट्रेवल। अब आपको पता है एरोप्लेन्स में सफर कर रहे हैं, जब हमने दूर दराज के ममालिक में जाना होता है तो फिर क्या यूज करते हैं, एरोप्लेन। फिर रोड्स पे तो नहीं ना जाते, एरोप्लेन यूज करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है, और क्विक भी है, कन्वीनियंट भी है, और वन कैन ट्रेवल फ्रॉम इस्लामाबाद टू लंदन विदाउट शॉपिंग इन 7 आवर्स। अब किसी ने अगर इस्लामाबाद से लंदन जाने, वो 7 घंटे में पहुंच जाते हैं। हम 7 घंटे में यहाँ से सिर्फ अभी आप कह लें कि आप इस्लामाबाद ही नहीं पहुंच पाते हो, समटाइम्स अगर बाय रोड जो है वो रश है, और आप 7 आवर्स में आप इस यहाँ से इस्लामाबाद नहीं पहुंच पाते, लेकिन वो लंदन, इस्लामाबाद से लंदन जरूर पहुंच जाते हैं, ठीक है, 7 आवर्स में। सो वेयर इज अ जर्नी बाय लैंड और सी वुड टेक मोर देन अ वीक फॉर कार्गो, एयर ट्रेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैरिंग मेल गुड्स ऑफ हाई वैल्यू सच एज ज्वेलरी एंड अर्जेंट मेडिकल सप्लाईज। अगर किसी जगह पे आपको अर्जेंट मेडिकल सप्लाईज अद्वियात की जरूरत है, या फिर जो है फॉर एग्जाम्पल आपकी देख लें कोई इंपॉर्टेंट आपकी मेल्स हैं, एयर मेल्स भी तो आती है ना, कि हवाई डाक जो जिसे कहते हैं एयर मेल्स आ रही हैं, और इस तरह से आपने अगर जो एयर मेल्स हैं दीज आर मोर कन्वीनियंट एंड दीज आर मोर क्विक, बाकी सबसे ज्यादा क्विक है, ठीक है। और अगर आपने बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव गुड्स जो हैं वो लेके जानी है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, सो इट कैन ऑल्सो बी द मोस्ट कन्वीनियंट वन। सो एयर ट्रेवल इज ऑफ कोर्स फेयरली एक्सपेंसिव, बहुत महंगा है, एज यू नो द टिकट इज क्वाइट एक्सपेंसिव, लेकिन इसके एडवांटेजेस जो है वो बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, यूजली फार अवे देन इट्स डिसएडवांटेजेस। अब बाय सी, अब सी जो है आप समंदरों के जरिए भी जो है वो ज्यादातर सामान जो है वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में लेके आया जाया जा सकता है। लोग ट्रेवल करते हैं, पहले क्या होता था 14 और 15 में के लोग एक्सपीडिशन पे जाते थे, वॉयज पे जाते थे, ठीक है, दे टुक देयर मोड थ्रू सी, उन्होंने जो ट्रांसपोर्टेशन जो थी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन थ्रू सी, एंड द सी स्टिल कैरीज द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ बर्ड्स बाय फार। सम कंट्रीज हैव अ गुड सिस्टम ऑफ इनलैंड वाटरवेज, जैसे कि नील, टिग्रेस, यूफ्रेट्स, विच कैरी स्मॉलर बोट्स राइट इन टू द हार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। और कुछ ममालिक ऐसे हैं जैसे कि नाइल है, टिग्रेस है, यूफ्रेट्स है। अब इनके क्या है, इनके जैसे हमारे रोड चलती है ना, इस तरह उनके उनके रोड्स हैं हमारी, इसी तरह उनके तो बोट्स चलती हैं, ठीक है, मींस कि ये जो कंट्रीज हैं, फिर आपको इसी से पता चल रहा है कि ये कंट्रीज क्या कहाँ हैं, ये दीज आर नियर द सी, ठीक है। इन साउथ अमेरिका लार्ज ओशन गोइंग वेसल्स कैन सेल ओवर 1500 किलोमीटर राइट इन टू द इंटीरियर ऑफ ब्राजील फ्रॉम द एटलांटिक ओशन अलोंग द रिवर अमेजोन। टू टाइप्स ऑफ शिप आर मोस्ट इंपॉर्टेंट कमर्शियली टूडे, दो तरह की शिप जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक हम कह लेते हैं ऑयल टैंकर और एक कहते हैं कंटेनर शिप। ऑयल टैंकर क्या होते हैं, ऑयल टैंकर जो ऑयल जो है वो कैरी करते हैं फ्रॉम वन कंट्री टू द अनदर, एंड द कंटेनर शिप जो गुड्स जो मटीरियल जो है वो बाय सी जो है वो आ रहा है मुख्तलिफ ममालिक से, हम इम्पोर्ट कर रहे हैं या हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो बेटे वो कंटेनर शिप्स जो होती हैं, शिप बहरी जहाजों पे जो कंटेनर्स लगे होते हैं, तो उन कंटेनर्स के थ्रू जो है वो किया जाता है ट्रांसपोर्ट। आपकी बुक में बेटे इनकी बताई हुई है देयर विड्थ एंड देयर लेंथ, कि वो कंटेनर्स कितने बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। दीज आर इज ऑयल टैंकर इज रियली अ जाइजेंटिक, बहुत बड़ा फ्लोटिंग टैंक है विद इंजन एट वन एंड, एक एंड पे इंजन है और एक लार्ज टैंकर जो है, एक बड़ा ऑयल टैंकर जो है वो क्या कैरी करता है, 550 मिलियन लीटर ऑफ ऑयल, 550 मिलियन लीटर जो है वो ऑयल कैरी कर सकता है। और फिर वो ऑयल जब देखे अब डिफरेंट कंट्री से आपके कंट्री में आया, और फिर यहां से जो हमारे जो रोड के थ्रू ट्रेवल होते हैं ऑयल टैंकर, आपने देखे होंगे ट्रकों के पीछे लगे होते हैं, तो उन ऑयल टैंकर्स के थ्रू जो है वो फिर डिफरेंट स्टेशंस तक वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है। सो इसी तरह कंटेनर शिप्स जो हैं उसमें गुड्स होती हैं, वो मुख्तलिफ तरह की आपका मतलब यूजेबल मटेरियल होता है, ठीक है, आर नॉट यूनिवर्सल फॉर मोस्ट टाइप्स ऑफ गुड्स एक्सेप्ट सच थिंग एज कोल, ओर्स, मादनिया मीन्स की कोयला और ओर्स, इनके अलावा जो है ये तो ट्रेवल होते हैं ज्यादातर ट्रेन के थ्रू, ठीक है, लेकिन ये जो है सच थिंग इज कोल्स और ये किसके थ्रू जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, अ कंटेनर शिप इज रियली अ फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म ऑन विच कंटेनर्स आर स्टैक्ड, दे आर ऑल द सेम साइज, एक ही साइज के होते हैं ज्यादातर, 6 इंटू 2.54 मीटर्स,
और डबल दिस साइज, या फिर इस साइज को आप डबल कर लें कि इतने ज्यादा जो है वो बड़े होते हैं, एंड द गुड्स आर पैक्ड इनटू द कंटेनर्स। फैक्ट्रीज में ये कंटेनर्स में रखे जाते हैं, फिर ये कंटेनर्स ट्रकों पे लाद के इन कंटेनर्स को बंदरगाह तक पहुंचाया जाता है, सी पोर्ट तक पहुंचाया जाता है, और फिर वो वहां से जो है मुख्तलिफ ममालिक में आपके सामान जाता है। ठीक है, सो बिकॉज दे आर ऑल द सेम साइज, ये एक ही साइज के होते हैं, तो ये एक के ऊपर एक रखा जा सकता है कंटेनर। ठीक है, नेक्स्ट इज कम्युनिकेशंस में आ जाएं आपके, ये देखें आपकी बुक में बेटे पेज नंबर 38 पे, कम्युनिकेशन से पहले एन ऑयल टैंकर एंड अ कंटेनर शिप, एक ऑयल टैंकर और साथ में कंटेनर शिप की जो है वो पिक आपको दी हुई है। ठीक है, यू कैन सी ऑन योर बुक। नेक्स्ट इज द कम्युनिकेशन, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। गेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर इन टूडेज वर्ल्ड इज एब्सोल्युटली एसेंशियल बोथ फॉर ट्रेड एंड फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस। मोस्ट ऑफ द पाकिस्तान हैज एन एक्सीलेंट कम्युनिकेशन सिस्टम, टेलीविजन, रेडियो, कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। आप ये देखें, मैंने आपकी बोर्ड पे भी बेटे मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन डिस्प्ले किए हैं, जिसमें आ जाते हैं आप टेलीविजन के थ्रू हम कैसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कि हम लोग को न्यूज जो है वो मिलती है डिफरेंट कंट्रीज से, हमें पता चलता है कि क्या हो रहा है डिफरेंट ममालिक में। देन इज रेडियो, ये भी इसी तरह यूज होते हैं, टेलीफोन, यू कैन टॉक टू देम, मोबाइल यूज हो रहे हैं, दीज आर द लेटेस्ट एंड एडवांस मोड ऑफ कम्युनिकेशन। देन वाईफाई, दैट इज ऑल्सो आप अपने मोबाइल से कनेक्ट करके यू कैन टॉक विद देम। ठीक है, सोशल मीडिया यूज करते हैं, वीडियो आप चैट कर सकते हैं। ठीक है, दीज फाइव आर द मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन यू कैन, इसके अलावा कंप्यूटर है, लैपटॉप से आप यूज कर रही हैं, तो ये आज के एडवांस जो दौर है उसके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, एंड इट्स नॉट ओनली डिजास्टर्स सच एज फ्लड्स एंड अर्थक्वेक्स, में भी आप जो है इन्हीं के जरिए जो है आप कनेक्टेड रह सकते हैं। गुड कम्युनिकेशन इज वेरी वैल्यूएबल फॉर कीपिंग पीपल इन टच विद वर्ल्ड इवेंट्स। हमें लोगों से रबते में रहने के लिए क्या करना है कि हम ये जो यूज कर रहे हैं हम मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, टेलीविजन, रेडियो, टेलीफोन, मोबाइल, ये हमें लोगों से जोड़े हुए। ठीक है, नेक्स्ट इज वन लर्न्स अबाउट स्पोर्ट्स सच एज ओलंपिक्स। हम जो है बहुत कुछ सीखते भी हैं, हमें पता चलता है कि डिफरेंट कंट्रीज में क्या हो रहा है, उनके कस्टम्स, उनके ट्रेडिशंस, हम डिफरेंट डॉक्यूमेंट्रीज वॉच कर सकते हैं। ठीक है, सो हमें ये एक्चुअली क्या है, ये मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स हमें पूरी दुनिया से जो है ये जोड़े रखे हुए। आप इनमें भी देख लें, ये एरोप्लेन, शिप, बस, कार, हम ये जोड़े रखे हुए हैं ना हमें। ठीक है, देख कीप अस कनेक्टेड, हमें एक दूसरे से हमने अगर मिलना है तो हम इनका यूज करते हैं, हमें बात करनी है हम इनका यूज करते हैं, हमें इंफॉर्मेशन लेनी है तो हम इनका यूज करते हैं। So these all are the modes of transport and communication. Actually the modes of communication, ठीक है, all of these make nation better, educated, ठीक है, एक कौम को बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, हम एक educated nation है and aware of the world outside, हमें अपनी nation बच्चों को हमें उन्हें बताना है कि दुनिया में बाहर क्या हो रहा है, so these all keep us aware of them, ठीक है, ये हमें aware कर सकते हैं। सो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आपको पता है उन्होंने दैट हैज चेंज्ड आवर लाइव्स, हमारी जिंदगियां बदल दी हैं। पहले क्या होता था, सिर्फ एक छोटा सा कंप्यूटर था जिसे अबैकस से जो है, अब आप देख लें क्या हम लोग लैपटॉप, स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स पे आ गए हैं। ठीक, हम वी कैन कनेक्ट विद, हम इतने मीलों दूर बैठे लोगों से हम कैसे कनेक्ट हो जाते हैं, विद इन अ सेकेंड हम उनसे बात कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन, पहले ये होता था सिर्फ आवाज आती थी, वी कैन कॉन्टेक्ट ऑडियो विद देम, लेकिन अब वी कैन ऑल्सो कनेक्ट विद देम एज ऑडियो विजुअल। ठीक है, इसके अलावा मोटर व्हीकल्स जो है वो उनका यूज जो है वो डबल हो गया। अब आपको भी पता है, आप अपनी ही एग्जाम्पल ले लें कि अब आपके घर में ये सब फैसिलिटीज है, आपको पता है कि आप कैसे कम्युनिकेट किए रखे हो। अब आपने अभी फिलहाल जैसे अब आप लोग घर हैं बेटे, हम लोग आप लोग अपने स्कूल से इन टच रहने के लिए आप मोबाइल फोन्स का यूज कर रहे हो, आप सोशल मीडिया का यूज कर रहे हो, लैपटॉप यूज कर रहे हैं बच्चे, कंप्यूटर यूज कर रहे हैं। ठीक है, आपने अगर कहीं आना जाना है तो आप बाइक यूज करते हैं, आप जो है रिक्शा, ऑटो, इनका वेट नहीं करते हो। सो दीज ये सब फैसिलिटीज ने क्या किया, हमारी लाइफ को ईजी कर दिया।
दिस इज ऑल अबाउट योर लेक्चर दैट इज ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. आई होप यू अंडरस्टूड, आपको समझ आई होगी. सो कमिंग टू द डायरी इज यूनिट नंबर 7, रीड प्लस अंडरस्टैंड. ऑल्सो लर्न एंड सॉल्व फिल इन द ब्लैंक्स MCQs. Plus short question answers and the long question answers on your notebook from notes. Notes are available in school's account office. बेटे जिनके lectures miss हो गए हैं, दो students जिनके lecture miss हो गए हैं, क्या कर सकते हैं बेटे आप लोग? Video recorded lectures are available on YouTube channel of Garrison School System. So बेटे subscribe the channel and you can get your lectures ताकि आपकी पढ़ाई का खर्च ना हो. Stay safe, stay home. Allah Hafiz, take care.